हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोडर सिंह और आज हम पढ़ेंगे स्टेट के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर जैसे हम नंबर डालते हैं तो हमारा कैसे हमें पता लगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, अगर जिन्होंने पहले टोटल नहीं देखे हैं तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का सुपर कॉल करना इंपॉर्टेंट है, सुपर के बाद ही दिस स्टेट कॉल होता है वरना नहीं होगा। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक हम लेंगे जो इनपुट की वैल्यू होगी, हम उसको ले लेते हैं नंबर, उसको खाली छोड़ देते हैं, और मैसेज जो हम यूज़र को डिस्प्ले कराएंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो फर्स्ट फटाफट हम यहाँ पे एक इनपुट बना लेते हैं। इनपुट टाइप हमारा नंबर है, नंबर एंड जो वैल्यू है इसकी दिस डॉट स्टेट। जिन्होंने मेरे पहले ट्यूटोरियल नहीं देखे है स्टेट के ऊपर तो प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा सा हाई लेवल है। एंड ऑन एक ऑन चेंज लिसनर जो है हम इसको कॉल करेंगे, हम करेंगे दिस डॉट चेक प्राइम एंड बाइंड दिस। अगर आप बाइंड दिस नहीं करते हैं तो ध्यान रखने का कि चेक मतलब कि जो दिस डॉट सेट स्टेट करते हैं हम, अगर पहले ट्यूटोरियल देखा होगा तो नहीं चलेगा, बाइंड दिस हमें करना उसके लिए ज़रूरी है। इसे बता रहे हैं कि जो दिस वेरिएबल है इसके अंदर आएगा। सो यहाँ पे चेक प्राइम के अंदर जो ऑन चेंज है तो एक इवेंट कॉल हो रहा है, तो इवेंट के अंदर एक ई वेरिएबल आता है, ई या इवेंट, इवेंट लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में चाहिए होगा। वेल नम इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट नॉट वैल्यू, तो हमें इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वो वैल्यू मिल गई। एंड सेकेंड थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हम स्टेट सेट कर लेते हैं, और एक और हम एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैसेज के नाम से ही, मैसेज बढ़ा लिख देते हैं इसके अंदर। तो दिस डॉट सेट स्टेट कर देंगे नंबर का नम कर देते हैं एंड मैसेज कर देते हैं। सो ये हमारा दिस डॉट सेट स्टेट हो गया। अभी जो है हम उसका लॉजिक लिखेंगे प्राइम नंबर चेक करने का। तो हम इसको इंट में कर देते हैं, पार्स इंट। जिनको पता है पार्स इंट जो है एक स्ट्रिंग को वेरिएबल में कर देता है। एज यू कैन सी यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, और तो हमें यहाँ पे भी स्ट्रिंग को हम उसको पार्स इंट में भी इंटीजर में कर देंगे। तो हम चेक करेंगे इफ़ नम इज बिगर देन टू, एल्स हम सीधा मैसेज को कर देंगे नॉट प्राइम, एंड अगर बिगर देन टू है तो ठीक है। इफ़ नम इक्वल टू तो सीधा हम मैसेज कर देंगे प्राइम, क्योंकि ट्रू की एक्सेप्शन है। एल्स अगर बड़ा है, ऑब्वियसली अगर बड़ा है यहाँ पे बिगर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अगर टू से बड़ा है तो हम ऑब्वियसली फोर लूप लगाएंगे, और यहाँ पे हम पहले एक वेरिएबल ले लेंगे प्राइम नाम का। प्राइम हम ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा जो नंबर है ये नम इज़ ऑलरेडी अ प्राइम, बट वी नीड ओनली वन रीज़न टू फाइंड आउट कि इफ इट इज़ अ नम और इट इज़ नॉट, कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, हमें एक रीज़न चाहिए। तो हम इसको नम तक लूप करेंगे। इसका तो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी टू एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ नम मॉडुलस आई इक्वल टू ज़ीरो आता है तो ऑब्वियसली हमारा प्राइम जो है फॉल्स हो जाएगा एंड हम लूप जो है ब्रेक कर देंगे। एंड यहाँ पे हम चेक कराएंगे इफ प्राइम, तो हमारा मैसेज होगा प्राइम, एल्स मैसेज होगा हमारा नॉट प्राइम।
दैट्स इट। तो हमारा ये पूरा हो गया, तो वह चेक कर लेते हैं अच्छा क्या प्रॉब्लम आया। ओके सर, हमने इनपुट का टैग बंद नहीं किया और मैसेज भी नहीं दिया हमने कि तो मैसेज दिस डॉट स्टेट डॉट एम एस जी ले लेते हैं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। पार्स एंड इज नॉट डिफाइंड RSE है। सॉरी मैं बहुत जल्दी में कोड लिख लेता हूँ कभी कभार तो मुझे खुद नहीं पता लगता। तो अब लिखते हैं 45 चेक करते हैं। नॉट प्राइम, 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 7 इज प्राइम, 90 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो सी हमारा प्राइम नंबर का कोड चल गया। तो मैं अगर ये था इसका ट्यूटोरियल। अगर आपको लॉजिक जानना है तो आप ट्यूटोरियल देखिए, बिकॉज मैं लॉजिक समझाने वाला हूँ। अगर आपको रिएक्ट जेएस के बारे में आगे पढ़ना है तो आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल देख सकते हैं सीधा। सो लॉजिक ये है इसका प्राइम नंबर फाइंड करने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइम नंबर आर द नंबर्स विच आर प्राइम नंबर आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल डिविजिबल बाय द नंबर इट्सेल्फ एंड वन ओनली। मतलब कि बस मतलब कि वन और नंबर इट्सेल्फ भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे को थ्री को या तो थ्री ही डिवाइड करेगा या तो वन पूरा डिवाइड करेगा। मतलब कि रिमाइंडर जो है हमारा जीरो आना चाहिए। और जो ये मॉडुलस लगाया है मैंने, मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना। तो रिमाइंडर लेट सपोज अगर मैं डिवाइड यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो टू डिवाइडेड बाई टू आता है मेरा आंसर वन। बट अगर मैं मॉडुलस यूज़ करता हूँ, मॉड्यूलस क्या हो गया हमारा, परसेंटेज साइन को हम कहते हैं मॉड्यूलस, जो भी मॉड्यूलस। हाँ, सो अगर मैं जैसे 2% 2 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है जीरो, क्योंकि रिमाइंडर जो है हमारा जीरो है। अगर मैं 3% 2 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है वन। तो इट मीन्स कि 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो आंसर वन दे रहा है। तो हम सिमिलरली यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं कि नम मॉडुलस वन तो नहीं है। आई मीन नम जो है हमारा लेट्स सपोज 21 है, तो वो चेक करता है 2 से पहले कि वो पूरा मॉडुलस हो कि जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर 3 से चेक करेगा, 3 से हो रहा है तो फिर फॉल्स कर देगा एंड ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे मैसेज आता है हमारा। तो ये थी हमारी छोटी सी रिएक्ट ऐप जिसके अंदर हमें फटाफट पता लग गया कि नंबर जो है हमारा वो प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे ये प्राइम नंबर है हमारा पूरा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। इट रियली मीन्स अ लॉट कि आप लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, उत्साह करता है नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।